नमस्कार, वेलकम टू लर्नर आश्रम। टुडेस टॉपिक विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, जस्ट क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प बिलो एंड यू विल मूव टू द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द वीडियो। नाउ फॉर हिंदी व्यूअर्स, लर्नर आश्रम में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको दशा का रिजल्ट प्रेडिक्ट करेंगे, इवेंट किस तरीके से होने वाला है, कब होने वाला है और कितना पावरफुल चार्ट है, इन सबको डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो बिगनर्स है, जिनको नहीं पता कि परीक्षण के लिए कहाँ से चालू करना है, उनको ये हेल्प करने वाले। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। एक नया ब्लॉग स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है lalkitab.com। उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू लाल किताब, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से राइटर के लेनी है, किस तरीके से पढ़ना है लाल किताब को, किसको नहीं पढ़ना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट की, और क्यों लाल किताब इतनी जल्दी सडन रिजल्ट्स देती है, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स उस ब्लॉग के अंदर, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जरूर जाइए उस ब्लॉग को, उसको फॉलो करिए, क्योंकि इसके ऊपर रेगुलर अपडेट्स आएंगे। अब चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाव बल, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एक घर में कितनी ताकत है, उस घर को ताकत मिलती है उसके उस घर के ओनर से, उस घर का स्वामी है, उस घर को जितने ग्रह देखते हो, साथ ही साथ पोजीशन ऑफ द राशि। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि भाव बल कितना है। तो अगर किसी ग्रह का भाव बल कमजोर हो जाए तो ये मान लीजिए कि उस घर का जो स्वामी है वो अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके घर के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो जब आपका बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते। ये तरीके का बैकग्राउंड है जो उस प्लैनेट का है। अगर वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड भी होके बैठा है तो भी वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर भाव बल नहीं है, उसके भाव में ताकत नहीं है। भाव बल मतलब आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है किसी कार्य को करने के लिए। तो अगर भाव बल कमजोर मिला है तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा कि किस तरीके से जॉब में, हेल्थ में, मैरिड लाइफ में ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पर आपको अगर भाव बल देखना हो अपने चार्ट के अंदर तो जगन्नाथ होरा, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जाइए। ये जगन्नाथ होरा का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अगर आप स्ट्रेंथ पे क्लिक करेंगे, अदर स्ट्रेंथ के अंदर आप राइट क्लिक करिए और आपको भाव बल का ऑप्शन आता है। जैसे ही भाव बल आएगा, ये आपको 12 घरों के भाव बल है। तो देखिए इस टाइम पे जो 645 है वो मेष की, सिंह की राशि में 645 का भाव बल है। अब इस तरीके से जो एक स्टैंडर्ड फिगर ऑप्टेन की गई है, मतलब जो बोला गया है कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होना चाहिए, वो है 420 नंबर। ये 420 नंबर आपके हर एक घर के अंदर स्ट्रेंथ होने चाहिए, ये मिनिमम स्ट्रेंथ बताई गई है। 480 जब हो जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्गली रिजल्ट देते हैं, और वो राज्यों के लिए। जब भी कभी आपको राज्यों के एनालाइज करने हो, आपको देखना हो कि इंसान करोड़पति बनेगा या नहीं बनेगा, इसका धन योग फलित होगा या नहीं होगा, तो देखिएगा 480 से जितना ऊपर स्ट्रेंथ जा रहा है उतना ताकतवर उसका वाला घर बनता है। अब इस तरीके से अगर आप देखें आज के ट्रांजिट चार्ट में, तो सेवेंथ हाउस के अंदर सबसे जो लोअर स्ट्रेंथ आया 382। तो अगर मान लीजिए किसी की नाटल चार्ट होता है, किसी की कुंडली होती, तो हम उसको सबसे पहले सेवेंथ हाउस से परीक्षण चालू करते हैं। पर हमें यहां पे नहीं रुकना है, क्योंकि सिर्फ उस घर के बात नहीं है, उस घर का मालिक भी जहां जाके बैठता हो। जैसे कि मान लीजिए आठवें घर का मालिक, आठवां घर जो है वो आपके ट्रबल्स दिखाता है, वो आपके परेशानियां दिखाता है, ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स दिखाता है, सडन एक्सीडेंट्स दिखाता है। अगर आठवें घर का मालिक लगन में जाके बैठ जाए और आठवें घर का जो भाव बल है वो बहुत ज्यादा नीचे है, 302 है, 280 है, इतना है, तो जब ये व्यक्ति 32 साल का होगा या आठवें घर की दशा चलेगी पंचोत्तरी में, तो आप देखिएगा इसकी लाइफ में एक बार एक्सीडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ना आठवें घर ने का जो वो काम खराब, जो आठवें घर की ताकत थी वो खराब हो गई। साथ ही साथ मान लीजिए लगन का स्वामी छठे में आ जाए और लगन का जो बल है वो छठे घर से कमजोर हो, तो आपको कंपैरिजन करना है कि
कि लगन ज्यादा ताकतवर है या आठवां घर ज्यादा ताकतवर है, लगन ज्यादा ताकतवर हो रहा है या छठा घर ज्यादा ताकतवर हो रहा है। अगर लगन का स्वामी छठे में आ रहा है और छठा घर बहुत कमजोर है तो ये हो सकता है कि बहुत मेहनत करवाएगा उस टाइम के अंदर, जॉब दिलवा देगा, ऐसी जॉब दिलवा देगा जिसमें बहुत मेहनत करनी हो। लेकिन जब छठे घर का मालिक लगन में जाता है तो ये बीमारियां लेकर आएगा। आप देखिए कि आप अपने घर में किसी और के घर में जाते हैं तो आप वही लेके जाते हैं जो आपकी कैपेबिलिटी होती है। अब छठे घर के मालिक की कैपेबिलिटी है कि वो बीमारियां, रोग, ऋण, शत्रु दे सकता है, तो वो अगर किसी के घर जा रहे हैं तो वो बीमारियां लेकर आए। सिमिलरली लगन अगर किसी के घर जा रहे हैं तो वो अपने साथ जो उनकी कैपेबिलिटीज है, वहां की राशि की क्वालिटी है, राशि का साइन है, उस राशि की जितनी भी क्वालिटीज उन सबको यूज करिए प्रेडिक्शन में। तो आप देखिए, और वहीं से ना आपको बहुत सारे और प्रेडिक्शन भी निकल के आएंगे। तो कई बार आप देखिएगा इस तरीके से, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि कब आपको बताने बीमारी होगी, कब आपको बताने जॉब लगेगी। क्योंकि दो ग्रहों का कनेक्शन अगर हो रहा है, लगन लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड का, दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। एट्थ लॉर्ड मुसीबतों का कारक है, तो और वो मुसीबत का कारक है, वो जहां पे भी जाके ले जाके बैठेगा वो अपने साथ मुसीबत उतने तरीके की लेके जाएगा। पर मान लीजिए चौथे घर का मालिक आठवें में बैठा है, तो आप चौथे घर के का क्या काम है, चौथे घर का काम है आपको सुकून देना, आपको न्यूट्रिशन देना, शांति एस्टैब्लिश करना। तो शांति एस्टैब्लिश करेगा आठवें घर में, मतलब ससुराल, ये इंसान चौथे घर का मालिक आठवें में, ये इंसान अपने ससुराल में शांति कायम करने के लिए बहुत सारे प्रयास करेगा। क्योंकि आठवां घर ससुराल का है, आठवां घर ऑकल्ट का भी है, तो शांति कहां से मिलेगी, ऑकल्ट से मिलेगी। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है। ये आप देखिए कि दो, किसी का आठवें घर का मालिक लगन में जा रहा हो अलग है, लगन का मालिक आठवें में आए तो अलग रिजल्ट है। इसी तरीके से अगर लगन का मालिक आठवें में है तो ये मान के चलिए कि इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सेक्सुअल इश्यूज हैं, वो होने वाले हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बेडरूम लाइफ वो होने वाली है। पर इसके अंदर कंडीशन ये है कि उनकी ताकत जो है कम होनी चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए कि लगन की ताकत 320 है, आठवें घर की ताकत 480 है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, लगन में और आठवें में। और लगन का मालिक आठवें में आ जाए तो ये मान लीजिए कि इस इंसान की मैरिड लाइफ में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है वो जरूर रहने वाली है। इसी तरीके से जब आठवें घर का मालिक लगन में आ जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बनते हैं। आठवें घर का मालिक लगन लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए और आठवें घर का मालिक ताकतवर हो जाए, हावी हो जाए लगन पे, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनता है। लगन का स्वामी आठवें में जाएगा और ताकतवर हो जाएगा तो किसी और को हैरेस कर। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हमें रिजल्ट किस तरीके से मॉडिफाई करना है, क्योंकि दोनों के लॉर्ड्स में डिफरेंस है। आप देखिए कौन क्या लेकर जा सकता है। जैसे पांचवा घर प्रतिष्ठा का है, आपकी तरक्की का है, आपके नेम एंड फेम का है। जिस तरीके से मान लीजिए कि पांचवे का मालिक जो आपके फेम को दर्शाता है, जो दिखाता है आपके बच्चे कैसे होंगे, जो दिखाता है कि आपके सोचने का तरीका कितना ब्रिलियंट है, पांचवे का मालिक अगर दसवें के साथ लिंक हो जाए तो ये दिखाता है कि इस दशा के अंदर इंसान को बहुत नेम एंड फेम मिलेगा अपने कामकाज के लिए। पर यही फिफ्थ और टेंथ लॉर्ड पांचवें घर का मालिक और दसवें घर का मालिक मिल जाए और ये आठवें घर से साथ लिंक हो जाए तो यकीन मानिए कि इस दशा के अंदर करियर का ट्रांसफॉर्मेशन होना और डिमोशन होना पक्का हो जाता है। सिमिलरली जब पैसा देखना हो कि पैसा रेगुलर पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो 11वां घर है और आपने देखना हो कि कितना ताकत है इसके चार्ट में पैसा कमाने का, कितनी कैपेबिलिटी है पैसा कमाने की। अगर आपने ये देखना हो तो सेकंड हाउस देखिए। अगर आप देखना हो रेगुलर इनकम कितना आता है तो 11th हाउस देखिए। प्रोफेशन रेगुलरली कैसे चलेगा 10th हाउस देखिए। तो सेकंड हाउस जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है कि कितना पैसा कमा सकता है इंसान। अगर सेकंड लॉर्ड 8th में है और सेकंड हाउस बहुत पावरफुल है, सेकंड लॉर्ड का लिंक जो है 8th हाउस के साथ है, 8th लॉर्ड के साथ है और पावरफुल है सेकंड हाउस, तो ये इंसान आठवें घर के तरीकों से माइनिंग से, डीप सी माइनिंग से, डाइविंग से, ज्योतिष से, इन सबसे पैसा कमाएगा।
पर यही जो है, अगर 8th लॉर्ड पावरफुल हो और 2nd हाउस कमजोर हो जाए तो इंसान बहुत सारा पैसा वेस्ट करता है इन सब चीजों। इसी तरीके से अगर लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड कंपेयर करें तो लगन में अगर ज्यादा ताकत है और 7th हाउस में बहुत कम पॉइंट्स हैं तो ऐसे इंसान के शादी में बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्यों? बिकॉज इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इन दोनों में नहीं बनेगी। जितना इन दोनों में के अंदर 10-20 पॉइंट्स का अंतर हो, 30 पॉइंट्स का अंतर हो, चल जाता है, शादी जो है ठीक ठाक चलती है क्योंकि बराबर समानता का अधिकार मिलता है दोनों। पर सपोज करिए कि यही दोनों के अंदर 7th हाउस बहुत ताकतवर हो जाए, लगन कमजोर हो जाए, तो हस्बैंड की सुनी नहीं जाएगी, आपकी सुनी नहीं जाएगी, आप स्पाउस की नहीं सुनी जाएगी कि लगन जो है ना आप खुद दब रहे हैं और आपकी जो वाइफ आ रही है, स्पाउस आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी फैमिली से आएंगे। फिर आपने देखा होगा कि कई चार्ट्स के अंदर जो एक पार्टनर है बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, तो उसके अंदर देखिएगा अष्टक वर्ग के जो डिफरेंस पॉइंट्स हैं या भाग बल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कैसे अलग अलग जो हाउसेज हैं, ग्रुपिंग ऑफ द हाउसेज विद इन द चार्ट, वो किस दशा में कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं। तो हर बार 6th हाउस बुरा नहीं होगा, हर बार 8th हाउस बुरा नहीं होगा, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 5th लॉर्ड 8th में जा रहा है, इसका मतलब आपका पोजीशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पर 5th हाउस मान लीजिए ताकतवर है 5th और 8th में से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। पर यही 5th लॉर्ड 8th में जा रहा हो और 5th हाउस जो है बहुत कमजोर हो, तो यकीन मानिए कि इसके अंदर आपका डिमोशन, बदनामी होने वाली है। लाइक अदर डे एक कंसल्टेशन के अंदर उन्होंने बोला कि मेरा जॉब चला गया है कि और जॉब के अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने 6 शब्द लिखे थे, उन 6 शब्दों के अंदर पूरा स्टोरी था और वो इतना आसान था प्रेडिक्ट करना। और 6 शब्द ये थे, प्रॉब्लम विद वुमेन, फाइट विद बॉस, एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन। इन 8 शब्दों के अंदर, 6 से 8 शब्दों के अंदर आपको पता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सारे के सारे वो ये दिखा रहे हैं कि इनकी प्रतिष्ठा पे अभी दाग लगने वाला है, यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इससे। और देखिए कितना सिंपल तरीके से आप उसको डिकोड कर सकते हैं, तो भाव बल को अपने प्रेडिक्शंस के अंदर जरूर इस्तेमाल करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके प्रेडिक्शंस के लिए, स्टार्ट करने के लिए, कि आपको देखिए कि कहाँ पे सबसे जो कमजोर हाउस है ना वहां से स्टार्ट करिए, या जो दशा लॉर्ड चल रहा है, जो दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, वहां से स्टार्ट करिए और प्रेडिक्शन बताइए कि ये टाइम पे, इस टाइम पे ये चल रहा है। 2nd लॉर्ड 8th के साथ, 11th लॉर्ड 8th के साथ कंजंक्ट हो गए तो पैसा बर्बाद हो रहा है और अभी आगे पैसा बर्बाद होना है। क्यों? क्योंकि 8वां घर ताकतवर है 2nd हाउस से, सारा पैसा खा रहा है, ड्रेन में जा रहा है। तो ये जो तरीके हैं, ये जो तरीका है प्रेडिक्शन का, जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस देखते हैं, उसको जरूर अप्लाई करिए बिफोर आप किसी और टेक्निक पे जाएं। हम ये देख लें कि किस हाउस का स्ट्रेंथ कम है, किसका ज्यादा है और उसको किस तरीके से आप रेमेडी देने, बिकॉज इन सब के बारे में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, तो आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम इस गले घर का है, हमें ताकत इस घर को देनी है और इस घर की ताकत घटानी है, तब हम रेमेडीज देते हैं। तो रेमेडीज एंड एक्टिवेशन में ऐसे एक सूत्र था कि 2nd लॉर्ड का रेमेडी नहीं होता कभी भी, 12th लॉर्ड का रेमेडी नहीं होता, सिमिलरली 9th हाउस का रेमेडी 9th हाउस से नहीं होगा, उसका रेमेडी किसी और हाउस से होगा। इस तरीके की 2 केसेस थे, मैं उनको आज ब्लॉग पे शायद लिखूंगा, कि उनमें से एक केस था जिसके अंदर एक बिजनेस ओनर, जैसे हमें पता है कि COVID-19 चला, उनका एक बहुत बड़ा स्कूल है एक जगह पे, और उस स्कूल के अंदर उसका रेंट नहीं हो दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा सर इतने बड़े स्कूल को शिफ्ट करना है आपस में बहुत बड़ा वो है, एंड ओनर मान नहीं रहे, ओनर बोल रहे हैं कि आप प्लीज खाली करो, कोई रेमेडी चाहिए इस टाइम अर्जेंट है। तो मैंने उनको एक रेमेडी दिया और रेमेडी बहुत सिंपल था, पर उसके लिए जो मेन क्रिटिकल टाइम वो था, पॉइंट था, वो था टाइमिंग। तो कई बार आप देखिएगा रेमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है, कि किस टाइम पे रेमेडी करना है, किस दिन करना है, किस होरा में करना है। वो अगर आपने अलाइन कर लिया, आपने 6th हाउस, क्योंकि आपको परेशानी 6ठे घर से आई है, छोटी मोटी परेशानियां 6ठे घर से देखी, आपको परेशानी 6ठे घर से आ रही है, वो आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजीली उसका रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उनको बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट बोला, जैसे कि
आप उनको एक बहुत सिंपल सा रेमेडी ये था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गणेश जी को लड्डू का भोग लगेगा और वो लड्डू आप घर पे बना। तो जब उन्होंने ये रेमेडी करा तो ओनर मान गए, उन्होंने डिस्काउंट भी दिया, साथ ही साथ बोला कि ठीक है एक्सटेंशन भी दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सेकेंड केस था उसके अंदर मदर का ट्रांसफर था, कुछ जो घर के अंदर होम हेल्प थी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक पर्टिकुलर रेमेडी करने से सॉल्व हुआ। तो आप देखिए कि एक जो छोटी चीजें होती हैं सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीजें, वो इन सिर्फ रेमेडीज से सॉल्व होती चली जाती है, क्योंकि लाल किताब का इफेक्ट है, वो सडनली रिजल्ट देता है। सिमिलरली एक बच्चे का नाम, जिस बच्चे का नाम थर्ड रेमेडी था, उसके अंदर सिर्फ नेम चेंज किया कि नाम बदल दो, उसके नाम बदलने के अलग काम हो जाएगा, तो उस बच्चे ने बोलना चालू करा। तो जो ये छोटी छोटी रेमिडीज होती हैं, सिक्स हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर उससे पहले, वो सॉल्व करने से पहले आप देखिए कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है, इश्यू कौन सी जगह का है, आठवें घर का है या पहले घर का है, फिफ्थ हाउस का या टेंथ हाउस का है। अगर क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ना करियर का नहीं होगा, प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस का होगा कि मेरे को इज्जत नहीं मिल रहा प्रोफेशन में। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कोर्स में भी बताया था कि सूर्य, जब सूर्य की दशा आती है तो इंसान जॉब छोड़ देता है, रीजन बीइंग जिसको ऐसा लगने लगता है ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते, सूर्य की दशा का एक इफेक्ट है। तो सिमिलरली फिफ्थ हाउस का जब भी प्रॉब्लम चलेगा, और फिफ्थ लॉर्ड जहां भी लिंक हो जाएगा, प्रॉब्लम उस घर का नहीं रहेगा, प्रॉब्लम सेवंथ हाउस का नहीं, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में हो तो प्रॉब्लम शादी का नहीं है, प्रॉब्लम इज्जत का है, प्रॉब्लम गेन्स फ्रॉम द मैरिज का है, उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और था शादी से, तभी बोला गया सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए। ये भरत प्राश होरस शास्त्र का सूत्र है कि सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में हो तो शादी अच्छी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसको अपनी शादी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। पर ये सूत्र तभी काम करेगा जब फिफ्थ लॉर्ड ताकतवर हो जाएगा सेवंथ लॉर्ड से, नहीं तो ये जो सूत्र है ये काम नहीं करेंगे। तो आपको देखना है कि कौन सा घर ताकतवर है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद आप रेमेडी दीजिए। So I hope you guys like the video and I will see you guys next time. For English viewers, first of all, there is a blog on Lal Kitab, which is lalkitab.com. Please go ahead and subscribe it. All your questions related to Lal Kitab and how wonderful this particular book is, why this particular book carries the energy of Scorpio, why it gives sudden results, has been written on the blog. Please go ahead and read it. I will try to write it regularly. I will try to write on this blog regularly. Now, related to today's technique. Today's technique is a beautiful technique for anyone starting in Jyotish or even with the experience, if you have several years of experience. This is the one of the must techniques you should use in your predictions. What is the technique? But look at the strength of the house. Bhava bal. How much intention or how much power I have in my intentions. Bhav means intentions. And how much strength I carry with my intentions. How much determined I am to do a particular thing. This is what the bhava bal does. Now, in the bhava bal, you compare different houses and you see what are the results. First of all, let me show you from where you can check the Bhavabal. If you go to the Jagannath, I will try to write on this blog regularly. Now, related to today's technique. Today's technique is a beautiful technique for anyone starting in Jyotish or even with the experience, if you have several years of experience. This is the one of the must techniques you should use in your predictions. What is the technique? But look at the strength of the house. Bhava bal. How much intention or how much power I have in my intentions. Bhav means intentions. And how much strength I carry with my intentions. How much determined I am to do a particular thing. This is what the Bhava bal does. Now, in the Bhava bal, you compare different houses
and you see what are the results. First of all, let me show you from where you can check the Bhavabal. If you go to the Jagannath Hora software, in Jagannath Hora software, this is the screen you will get. You go to the Strengths tab and you go to the Other Strengths. In Other Strengths, you right click on this window and click on Bhavabala. You will get the strength of all the 12 houses. Now these are these numbers written in front of it, 651, 561, 586. The marginal number or the benchmark for any house is 420. The benchmark for the Raj Yogas is 480. If it is higher, it is better. Similarly, when you go lower than 420, it means the house has decreasing its significations. Your determination to do that particular thing is decreasing. Such as lower strength in the seventh house, your determination towards marriage is decreasing. Lower strength in the 10th house, your determination towards the profession is not much. Lower strength in the 6th house, you cannot work hard, your immunity is weak, and you cannot follow a routine. So your determination in a particular house or signification of that particular house is determined by how much strength you are carrying in it. Just like you have, your body has a capability to lift weight of 60 kgs, 70 kgs. Similarly, how much pressure you can handle in that particular house. That is determined by how much points has been given to you in these houses. So if you have a strength of 800 something in a particular house, it means you're very determined about what you have to do. You have a higher strength in the second house. You're very clear about the goal. The goal is to accumulate resources, family and money. That's it. If you have the highest strength in the eighth house, all the significations of the 8th house use the qualities of rashis and plants over there. They are very determined about that. I have to get this done. People with good 10th house, the highest number of strength in the 10th house, you will see they are very prominent about their father's family, their income, their profession. The one goal, the whole energy concentration is on the 10th house. Similarly, if the concentration is in the 4th house, the whole objective of the life is how you can make your life comfortable, how you can attain peace. You cannot fight in the dasha of the 4th house because the whole agenda of the 4th house is to keep you safe within the house. Now, there are certain parameters which you should follow, such as if the Lagan Lord goes in 8th house and Lagan Lord is powerful, it means that all the 8th house significations will be under your control because you are coming from the powerful background. But when you have an 8th Lord in Lagna, and 8th Lord is more powerful than your ascendant, you can very clearly say that in this particular year you will go through an accident or some mishap will happen depending on the quality of the sign. If there is a Mars house, then they say accident. Why? Because now the 8th house, it's similar to like what you can carry to someone else's house. Like when you go to a friend's house, whatever you have or whatever you're capable of, you carry that in your hands and gift it to your friend. Similarly, when the 8th Lord goes to the Lagna, 8th Lord represents your sudden events, transformations, and all the qualities which are hidden. It's a destructive sign. So it's a destructive house. So what you carry all that to the Lagna. But when the ascendant is powerful, it will survive. Will keep the 8th Lord under control. In case the ascendant is afflicted,
some other problem with the ascendant, there the power is not there with the ascendant, then at that particular time period, you will have bad times going through. You can use the Paribrahman Padati, you can use the Varshpal, you can use the Dashar techniques. But during that time, this will happen. Similarly, Lagan Lord goes in sixth house. Lagan Lord is powerful. You will work very hard towards your goal. When sixth Lord goes in Lagna, sixth Lord will carry all the depth, disease, and animus towards the Lagna. Now, to keep it under check depends on the ascendant itself. It's a very brilliant technique to predict what is going to happen this particular year, this particular dasha. When second Lord is in eighth house and second Lord is very powerful, the person will earn money. The second house is powerful, the person will earn money through the eighth house. When the eighth house is powerful, the person will waste all his money. He will waste money in all those bad things. Lagan Lord in ascendant Lord in eighth house, and ascendant Lord is not very powerful, the person will have sexual issues in his life. Eighth Lord in Lagna, case of sexual molestation. Eighth Lord is powerful enough. So these are the things you have to think about. But which particular combination can give you fame? Fifth Lord in 10th house can give you fame through a profession. But fifth house has to be powerful in the 10th house. When these two combinations, fifth and 10th in the 8th house, you're going to get demoted in that particular dasha. This is how you decode, or this is how you pinpoint that this is the agenda of the year, this is the agenda of the dasha, this is what's going to happen in this particular dasha. Third Lord in 10th house, third house is of change, starting new things. And new things are going to start in your profession now. Third Lord, dasha of third Lord in the 9th house. You're going to do something with the religion, your higher goals, your traveling, something new is going to start. But let's suppose third house does not have enough strength. So you will only make airy plans. And no concrete determination will come in. So sometimes a determination is required in these houses. Similarly, Lagan Lord and 7th Lord, if they have a very low strength in the 7th house, your determination towards marriage is decreasing. You're not very bothered about what will happen to the relation. A person with a very high strength in the 7th house is very concerned about the marriage. Also, 7th Lord with the higher strength shows your wife will be heavier on you, and wife will come from a very good background than you. When Lagan Lord is more powerful and 7th house is low points, it means you have a very good ego in front of your spouse, and your spouse will come from the lower family because you are powerful than the spouse. This is how you interpreted the Bhava Lords or Bhava Strength. So use this technique. When you start your reading, first of all, see which dasha is running and what are the combinations made in the chart. And second, use the lowest point in that house. Let's suppose someone has a lowest point in the 5th house. And 5th Lord is sitting in the 10th. The person is not suffering from the problem of profession. The problem is, he's not getting enough rewards from his profession. This is what the real problem is. And then you have to see how you can fix it, if you can fix it or not. Because as we taught in the remedies and activation course, there are certain houses when there are no remedies. The remedies of these houses will lie in some other houses. Like second house will not have a remedy. The remedy of second house is done by some other house. This is how you interpret result of any dasha, or you determine the remedy. Now coming to remedies. See, there are three examples. The first example was very simple. The name of the kid was not able to speak properly even after 5 years of age. He was not responding properly when he was not speaking properly. So in that case, only the name change, because sometimes, you know, your name will affect you. And sometimes I tell my students as well when they enroll that I'm not going to enroll you with this particular name. I'm going to give you this particular name. Reason being, because different names have different energies, and we have showed it
in the predictive remedies and activation course that only by name so much you can predict. Second case was, there was an owner of the school and she runs a very big school, and the owner of that school, I mean the land which belongs to that person, that person was not agreeing for delayed rent or not giving concession because of the COVID-19. She asked for the help and I said, you know, do this one particular remedy and tell me by tomorrow afternoon 11 p.m. After that remedy, the owner of that place agreed to give the discount and let them run the school for next 2 or 3 months with the lower charges, and this given them the time that you can pay in this particular time period. This is how the remedy works. So all your sixth house issues can be solved easily with the help of these daily routines, daily remedies. The remedy was very simple: to offer yellow color prasad to Ganesh ji, yellow color laddu to Ganesh ji at this particular time period. Why at this time period? Because when you're doing the remedies of sixth house, the standard operating procedures are required. Similarly, when you're doing the remedies of the 12th house, then your intentions, your bhava is required, the trust is required. The another case was the transfer issue of the mother and some problem with the home health. That case also got solved only by a very simple remedy done at home, but has to be done on a particular time period. See, when you do these remedies, we taught this in remedies and activation, that when to do the remedy, why not to do the remedy. Like there was a particular case, like sometimes you should not do the remedy at all, otherwise it will backfire. The timing of the remedy is the most important and critical thing. So before you prescribe the remedy, first of all, identify the problem, such as fifth lord and seventh house. The problem in the marriage is not due to the seventh house. The problem in the marriage is because the person expects so much from the partner, gains from the partner. Brit Parasha Hora Shastra says, seventh lord in fifth house or natives marriage is not good. That will hold true only if the fifth house is more powerful than the seventh house. Then only it will hold true. Otherwise, if the fifth house is a lower strength than the seventh house, then the partner will have no expectations at all from his partner. This is how this sutra will work. So you have to read between the lines what is happening over there. So I hope you guys like the video, and I hope to see you guys next time. Thank you.